इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनवरी 2024 में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अवाम के मसाइल मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी पार्टी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, उल्टा वोटों के नाम पे हमें बदनाम किया गया कि हमने वोट दो, ये करेंगे बोला के कुछ भी काम नहीं। आप ये देख सकते हैं गंदगी देखे, यहाँ से इतने जरासीम पैदा होते हैं ना, यहाँ पे आए दिन बच्चे बीमार होते हैं। कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही ना कोई दिहाड़ी बढ़ रही, वही तनख्वाह है। अब जो है ना हम लोग जो 100 रुपए की ले रहे थे अभी 200 की चीज़ ले रहे हैं। लोग परेशान है, आवाम भूखी मर रही है, किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है, काम है ही नहीं। पहिया जो है वो सबसे बड़ी इजाद है, पहिए के ऊपर ही सारी चीज़ों का दारोमदार है। जब पहिया ही महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आर्मी चीफ बड़े एक्टिव हुए, क्रैकडाउन मुल्क में शुरू हुआ, क्या उम्मीद है आपकी? आर्मी चीफ जो है ना इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर जाएगा गरीबों को। यहाँ से कोई ना कोई तो सियासी जमात का बंदा जीत के 5 साल रहा है ना असेंबली में, आपकी वजह से, आपके वोटों से। मेरे बच्चे मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा शक्ल देखी है, जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता, ना कौमी असेंबली का ना सूबाई असेंबली का, यहाँ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल फ्राउन बन के बैठे हुए। क्यों एहतजाज क्यों नहीं कर सकते, ये तो आवाम का राइट होता है। जिस मुल्क में कानून होता है उधर एहतजाज किया जाता है। महंगाई से वो परेशान है, बच्चे बीमार हैं, हम वहाँ से परेशान हैं। एक क्लिनिक के पास जाओ तो कम से कम 1000 रुपया हो तो गरीब तबका कहाँ से करे। पानी आ रहा है मोटर में तो गंदा पानी आ रहा है, वो गटर वाला पानी हम लोग पी रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। ये लीज प्लाट हमारे को कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला है। यहाँ पर उबलते हुए नाले, यहाँ पर महंगाई का तूफान, यहाँ पर कहत साली, कराची के इस एरिया के अंदर ही आपको नजर। सवाल ये है और आवाज ये है इनकी कि क्या इनका मुस्तकबिल कभी संवरेगा या नहीं संवरेगा। देखिए प्रोग्राम आवाज हर हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर।